हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर एग्ज़ाम। दोस्तों, दास ग्रेड टू का एग्ज़ाम शायद आज लास्ट है, तो ख़त्म हो चुका है शायद आज या 25 या 26 को ख़त्म होने वाला था, तो काफ़ी लंबा एग्ज़ाम चला है। और इसका कट ऑफ को हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन की बातें करेंगे, कब रिजल्ट आएगा उसकी बातें करेंगे, एक्यूरेसी से कितना आपको नॉर्मलाइजेशन फ़ायदा होगा वो सब बातें करेंगे। तो ओवरऑल ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, इसके मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि ये कोई कंफर्म नहीं बता सकता कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाना चाहिए। एक्सपेक्टेड है तो आप लोग सबको ही अपना एक्सपेक्टेड निकाल चुके होंगे कि कितना जा सकता है, तो मेरे ख्याल से आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीट कितने हैं। तो सीटों की संख्या जो है देखिए 221 है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ दिन पहले DSSB की तरफ से एक नोटिस आया था कि जो 40x13 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 45 सीट वैकेंट रह गए थे, तो उसको इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो टोटल सीट जो है अब 221 45 662, 266 सीट हो चुका है। तो 266 सीट जो है उसको 10 से गुना कर दीजिए, तो लगभग आपको 2660 आपको आएगा। और रिजल्ट आपको मैक्सिमम 2750 से 2800 आपको रिजल्ट आएगा। तो आपको रिजल्ट टोटल लगभग मैक्सिमम कितना भी मान लीजिए तो 2800 के लगभग रिजल्ट देगा, क्योंकि कई लड़के होते हैं सेम नंबर पे होते हैं तो उन सबका रिजल्ट आता है कट ऑफ में, तो लगभग वही 2750 से 2800 रिजल्ट आएगा इसमें। और जो जनरल के जो है टोटल 135 सीट है न्यू पोस्ट मिलाकर, तो इसमें आपको लगभग 1400 रिजल्ट आपको जनरल में भी आएगा। ठीक है, तो सीट आपको 2800 में 1400 सीट, ये जो सीट है आपको रिजल्ट है वो आपको जनरल का आएगा। दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं कि पेपर कैसा आ रहा था। तो देखो, मैथ जो है वो कैलकुलेटिव आ रहा था, जो मैथ में फंस रहे थे वो हिंदी नहीं बना पा रहे थे तो उनको लॉस हुआ है। कई छात्र बहुत निराश थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या था, जो खासकर जो शुरुआती एक दो दिनों में थे। तो मैथ कैलकुलेटिव आ रहा था तो इसको आप इजी नहीं बोल सकते हैं। रीजनिंग भी आपको कभी कभी किसी किसी के पेपर में काफ़ी इजी आ जा रहा था और किसी किसी के पेपर में टफ नहीं आ रहा था, कैलकुलेटिव आ रहा था, तो इसको भी आप मॉडरेट ही बोलिएगा। हिंदी इजी आ रहा था, इंग्लिश इजी आ रहा था सबको। GS है वो मैं टफ, GS को मैं आपको टफ बोलूँगा, इसलिए बोलूँगा क्योंकि इसमें जो 7-8 या इवन 10 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बूझो तो जाने वाली प्रवृत्ति के थे, यानी कि क्वेश्चन खुद बोलता था कि मुझे बनाकर दिखाओ। साउथ इंडिया के डिश का नाम, मतलब अजीब अजीब तरह के क्वेश्चन कई छात्र बता रहे थे कि आया है। तो GS आपको टफ है, तो अगर 40 में से 10 क्वेश्चन इस तरह का होगा जो कोई छुएगा नहीं, खास क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, तो 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन सबको आएगा नहीं। करेंट कम पूछा, ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा है, तो GS मैं आपको टफ मान रहा हूँ। तो ओवरऑल जो पेपर है वो आपको ईजी नहीं है, कई छात्र बोल रहे थे काफ़ी ईजी, तो ईजी पेपर नहीं है, मॉडरेट पेपर है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन देखो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन तो होता है DSSB में, खासकर कि जिनका एक्यूरेसी ज़्यादा होगा। अगर आप 130 या 135 बनाकर आ रहे हैं और आपका आप मात्र 15 से 20 क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपका नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन वही जो 180 बनाकर आया है और उसके 50 क्वेश्चन गलत हो गए हैं तो आपके नंबर घटेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको DSSB में होता है। ये मैंने आपको जो पिछला अपना वीडियो डाला था DSSB का, जो फर्स्ट रिव्यू किया था, उसमें मैंने ये चीज़ बताया था कि कम कर आएँ लेकिन सही कर आएँ, क्योंकि ये बहुत ही इशू है, DSSB में होता है और हर जगह होता है, क्योंकि एक्यूरेसी काफ़ी मायने रखती है। तो जिनका एक्यूरेसी अच्छा होगा वो आपको उनका PT क्वालिफाई हो सकता है, अगर उनका ठीक ठाक नंबर आ गया तो। और नॉर्मलाइजेशन में इवन इसमें 7 से 8 नंबर भी बढ़ जाते हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है। नॉर्मलाइजेशन काफ़ी इफेक्टिव होगा, ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम है, कई दिनों तक एग्ज़ाम चला, कई शिफ्ट में एग्ज़ाम चला है, तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कितने जो प्रेजेंट थे, एब्सेंट थे, तो लगभग ओवरऑल देखा गया कि 40 से 45% ही लोग एग्ज़ाम दिए हैं। मुझे तो इससे भी कम लग रहा है, लेकिन इतना आप मान कर चले कि लगभग 40 से 45% ही एग्ज़ाम दिए हैं लोग, कई लोग नहीं दिए हैं, हो सकता है कि कईयों का सिलेक्शन हो चुका है हो, या फिर बहुत ही कम समय मिला इसलिए कई छात्रों का तैयारी नहीं हो, जो बाहर से आ रहे हो, दिल्ली से बाहर आ रहे हो, तो उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है काफ़ी। अब आइए दोस्तों कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ जो है मेरे ख्याल से UR यानी अनरिजर्व जनरल की 110 के आसपास होनी चाहिए, इसे कम नहीं जा सकता, एक दो नंबर बढ़ जाएगा, कम नहीं जा सकता है, सीट ज़्यादा नहीं है ये है। और पेपर आपको 40x13 के हिसाब से काफ़ी कमज़ोर आया था,
इसमें, और ये आपको बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर था, इसमें 83.25 कटअप गया था आपको, ये बहुत ज़बरदस्त पेपर था। तो इसमें 83.25 आपको कटअप गया था, और इसके मुकाबले इस बार का जो पेपर हुआ है वो काफ़ी कमज़ोर हुआ है, मॉडरेट लेवल का हुआ था, ये तो टफ में आता है, टफ से भी ऊपर कहिएगा तो वही है आपको। इसलिए मैंने कटअप आपको हाई बताया है, कई लोग 120-125 भी बोल रहे थे, लेकिन उतना नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अनरिजर्व का आपको 110 के आसपास है, वहीं ओबीसी का आप मानकर चलिए 103, 105, 104 इसी तरह जो भी है। एससी का आप 95-97 रखिए, और एसटी का भी आपको 2-3 नंबर ही कम रहता है तो 93 के आसपास रखिएगा। तो यही मेरे ख्याल से आपको कट ऑफ जाना चाहिए। तो ओवरऑल 110 के आसपास ही है मेरा आपको प्रेडिक्शन, क्योंकि इससे कम नहीं जाएगा, इतना तो आप मानकर चले, और हो सकता है ज़्यादा जाए, कम तो नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। और इसका जो रिजल्ट है दोस्तों, पिछला जो दास था उसका एक महीने के अंदर आ गया था, इसका भी हो सकता है कि आपको एक महीने के अंदर इसका आपको अगस्त इंड होते होते इसका रिजल्ट आपको आ जाए। मेंस टफ है, मेंस में फाइट है, मेंस में लगिएगा अगर आपका रिजल्ट आता है। तो यही था प्रेडिक्शन दोस्तों, फिर आप लोग फिर साथ बने रहे हैं और न्यू अपडेट का वेट करें, कुछ होगा तो मैं ज़रूर डालूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू। 110 मेरे हिसाब से वही है, फिर मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, ओके।